मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान नगर थाना क्षेत्र के पुरानी किला में आज अहले सुबह एक शनी खान है, जो पुरानी किला के वार्ड पार्षद के रिलेटिव है शनी खान, उनके घर पे आज कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ मचाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि सिख मोहल्ला के रहने वाले हैं, लगभग 100 से 150 की संख्या में कुछ लोग आए और जमकर घर पर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ किया। इसके साथ ही शनी खान के जो मोहम्मद शनी है उनके करीबी एक सदाफ है, उनके घर पर भी तोड़फोड़ हुई, यानी पुरानी किला में दो जगहों पर तोड़फोड़ हुई है। हालांकि किन कारणों से तोड़फोड़ हुई है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ बाइक पड़ी हुई है, दो दो बाइक हुई है और इसमें जमकर तोड़फोड़ हुई है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे कि किस तरह लगभग 100 से 150 की संख्या में लोग थे और यहाँ पे जमकर उत्पात मचाया है और जमकर यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि पुरानी किला में दो जगहों पर तोड़फोड़ की गई है, एक शनी का जो ये घर है, शनी खान का जो घर है, यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है और उसके बाद सदा फेंके हैं उनके घर पे भी तोड़फोड़ हुई है। हालांकि किन कारणों से तोड़फोड़ हुई है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। चलिए कुछ लोग अंदर है उनसे बात करते हैं, यहाँ वार्ड पार्षद है इस मोहल्ले के, उनसे बात करते हैं कैसे क्या कुछ घटना घटी है। देखिए सुबह 8:30 के वाकया है, 400-500 लोग कसाई मोहल्ले के, वो हाथ में डंडा लाठी भाला सब लेकर सारे बूढ़े जवान सब चले हैं और एकाएक जो है मोटरसाइकिल तोड़ना, घर के अंदर घुसना, कुछ जेवर जेवरात, कुछ कैश, ये सब लेके ये सब यहाँ से चला गया है। सब गाली भी दे रहा था, सब भाषा का प्रयोग कर रहा था। सब कौन लोग थे, पहचान कुछ हुई? पहचान तो सीसीटीवी कैमरा है हमारे पास, उससे प्रशासन इसको फोटेज करके निकाल सकती है, देख सकती है। कितने गाड़ियों को तोड़ा गया? लगभग हम अभी तो ऑन स्पॉट 2 गाड़ी है जो जिसको तोड़ा गया, का पाची है, एक और गाड़ी है, नई गाड़ी खड़ी है वहाँ। जो लोग आए थे वो लोग क्या कुछ लेकर आए थे, कुछ हथियार? हाँ, तो हथियार भी था हाथ में और भाला था और बांस था, लाठी था, एवरी जो जिससे इंजॉर्ड आदमी हो जाए तो सारी चीजें थी। आखिर जो तोड़फोड़ हुई है वो किस लिए हुई है, क्या कुछ पता चला? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, इसलिए कि जानकारी है, जांच के विषय है कि क्यों आया सब। अभी सुनने को मिला है 2-3 घर पर और अटैक किया है सब, तो प्रशासन की जांच की बात है, प्रशासन इसको जांच करके पता कर लेगी। जेवर जेवरात कुछ कैश है जी, पुलिस को सूचना दी गई है? अभी पुलिस आई थी, उसको बताया गया, उन्होंने कहा कि आवेदन लिख कर थाना में आप दीजिए, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं थाना में देने के लिए। बिल्कुल, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आखिर ये घटना क्यों हुई है, किसी को भी कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। हमने भी कारण जानने की कोशिश की लेकिन ये कारण नहीं पता चल पा रहा है। हम आपको फिर से तस्वीरें दिखाएंगे, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह ये बाइक है, इसको तोड़फोड़ किया गया है। आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं कि किस तरह जो असामाजिक तत्व आए थे उन्होंने जमकर यहाँ पे तोड़फोड़ किया, दो बाइक को तोड़ा गया। हालांकि किन कारणों से इस बाइक को तोड़ा गया ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जो पुलिस आई थी यहाँ पे पूरे जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया और उसके बाद पुलिस चली गई है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि आप आवेदन दीजिए, उसके बाद FIR की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन किस कारण से यहाँ तोड़फोड़ हुई है ये पता नहीं चल पा रहा। आपको बता दें कि समाज सेवी रईस खान के सबसे करीबी माने जाते हैं शनी खान और शदाब, इन्हीं के घर पे तोड़फोड़ हुई है। समाज सेवी रईस खान लगातार जो राजनीति में हैं वो सक्रिय हैं और इनके समझिए आप राइट हैंड माने जाते हैं शनी खान और सदाब, जो इनके सबसे करीबी माने जाते हैं, और इन दोनों के घर पे तोड़फोड़ हुई है। तो कहीं ना कहीं रईस खान से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। हालांकि अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, नगर थाने में भी बैठक चल रही है और किन कारणों से तोड़फोड़ हुई है ये अभी स्पष्ट हो रहा है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।